नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मृदुल चंदेल। महाराष्ट्र में कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दी है। इसे देखते हुए महाराष्ट्र की उद्धव सरकार अलर्ट मोड पर है। महाराष्ट्र सरकार ने इसे देखते हुए सभी जगहों पर मास्क अनिवार्य कर दिया है और लोगों को हिदायत दी है कि घर से निकलते समय मास्क जरूर पहने। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों ने राज्य सरकार को चिंता में डाल दिया है। इसी कड़ी में राज्य के कोविड 19 टास्क फोर्स के साथ सीएम उद्धव ठाकरे ने 3 जून को बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर लोग फिर से कोविड प्रतिबंधों का अनुभव नहीं करना चाहते हैं तो लोग मास्क इस्तेमाल करें। दरअसल आपको बता दें, कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में बीते कुछ दिनों से तेजी देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार ने मास्क को फिर से अनिवार्य कर दिया है। वहीं राज्य सरकार ने लोगों से सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने के लिए कहा है। राज्य सरकार की ओर से सभी जिलाधिकारियों को चिट्ठी लिखकर नए दिशा निर्देश की जानकारी दी गई है। महाराष्ट्र सरकार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर प्रदीप व्यास ने जिलाधिकारियों को लिखे पत्र में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य करने सहित कई आदेश दिए हैं। जानकारी के लिए बता दें, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने कहा है कि पिछले कुछ महीनों में राज्य में कोविड 19 मामलों की संख्या में निरंतर गिरावट देखी जा रही थी, लेकिन हाल के दिनों में कोविड मामले धीरे धीरे लगातार बढ़ रहे हैं। 3 महीने के बाद पहली बार 1 जून 2022 को दैनिक मामले 1000 को पार कर गए। खास तौर से मुंबई और ठाणे में कोविड मामलों में वृद्धि देखी जा रही है, जिसे लेकर एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बन रही वन इंडिया हिंदी के साथ।